हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन स्टडीज। तो गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पे आपको ना ही गवर्नमेंट जॉब की जो अपडेट्स हैं वो मिलेंगी, बल्कि साथ ही साथ आपको सिलेबस, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ नई जॉब्स निकली है इंडियन पोस्ट रिक्रूटमेंट में, ठीक है। और चलिए देखते हैं जॉब है क्या। इंडियन पोस्ट रिक्रूटमेंट 2018 में 36 पोस्टमैन की पोस्ट निकली है, मल्टीटास्किंग की पोस्ट निकली है और साथ ही साथ एमटीएस जॉब्स, ठीक है। देखिए, जो स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की वो 30 दिसंबर है और जो लास्ट डेट है वो है 30 जनवरी 2018। एडवर्टाइजमेंट है, टोटल 36 पोस्ट है। पोस्टल असिस्टेंट की 6, सॉर्टिंग असिस्टेंट की 1, पोस्टल असिस्टेंट CORO की 1, पोस्टमैन की 17 और मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसे हम MTS कहते हैं, 11। एज लिमिट है 18 से 25 और जो है वो है MTS की, जो है मल्टीटास्किंग की 18 से 25 और बाकी जो पोस्ट है उनके लिए एज लिमिट है 18 से 27। उसके बाद बात करते हैं कैसे आपने अप्लाई करना है। ये ऑफलाइन अप्लाई होगा, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, आपने ऑफलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस कितनी है, 100 रुपीज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ IPO ड्रोन इन द फेवर ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल आंध्र प्रदेश सर्कल विजयवाड़ा 520013। लोकेशन कहाँ है जॉब की, आंध्र प्रदेश में। तो ये जॉब आंध्र प्रदेश के लिए है, स्पेशली जो आंध्र प्रदेश के लोकल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करें तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। बाकी जो नेबरिंग स्टेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इनको, ठीक है, पोस्टमैन और MTS के लिए पासिंग टेंथ चाहिए, ठीक है, ITI फ्रॉम अ रेगुलर बोर्ड अगर है तो वो भी चलेगा, और यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और साथ के साथ आपके पास स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये स्पोर्ट्स कोटे में जॉब्स निकली हैं तो आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। आप अप्लाई कैसे करेंगे, आप विजिट कीजिए वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। कैसे अप्लाई, सॉरी, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अप्लाई कीजिए, वहाँ पे अप्लाई कीजिए, वहाँ पे अपना जो फॉर्म है वो डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड को फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद फिल करके अपने अटेस्टेड फोटोग्राफ लगाइए और उसे भी सेंड कर दीजिए, IPO ड्रॉअर बना के चीफ जस्टिस के नाम पे सेंड कर दीजिए फॉर्म को, और ये फॉर्म आपका 30/1/2018 से पहले वहाँ पे रीच हो जाना चाहिए। तो ये थी रिक्रूटमेंट इंडियन पोस्ट में। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, अदर स्टेट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।